साहब, मास्क इस वक्त ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। मैंने तो मास्क नहीं लगाया, उसके पीछे का मेरा यह तर्क है कि मास्क उसको लगाना चाहिए जो बीमार है, या इसका वास्तविक क्या कारण है? देखिए, मास्क का सच्चाई मैं बताता हूँ व्यूअर्स, ये बहुत ही ध्यान सुने और आगे भी आप बताएं। ये रहा मास्क, राइट, फुल तो स्क्रीन दिखाइए। ये मास्क है, इस तरह का मास्क है, ये कपड़े का बना मास्क है। हाँ, तो ये मास्क क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इस मास्क को पहनने से जो कोरोना वायरस है वो वायरस आपके मुंह में नाक में नहीं चला जाएगा, यही तो कारण है ना, उससे ये एक बैरियर की तरह बन जाएगा, दैट इज द रीजन, राइट। ये कपड़े का बना हुआ है। अब मैं अगर बोलता हूं इसमें अगर पानी डालूंगा, पानी यहां से निकलेगा क्या? आप ट्राई कीजिए, पानी यहां से लीक होगा, राइट। तो ये कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है करीब 100 नैनोमीटर। अब 100 नैनोमीटर कितना होता है, मैं एक और उदाहरण देता हूं, ह्यूमन स्पर्म सेल। आपने कॉन्डोम देखा है, कॉन्डोम के अगर अंदर अगर हम पानी डालें तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो बलून की तरह बन जाएगा, राइट। जबकि स्पर्म का जो डायमीटर होता है वो होता है 5000 नैनोमीटर, यानी कि कोरोना वायरस अगर टेनिस बॉल है तो ह्यूमन स्पर्म फुटबॉल है, राइट, फुटबॉल है। अगर कोई आपको बोले इस कपड़े का कॉन्डोम बना दें तो आप पहनेंगे, यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से जब पानी निकल सकता है तो स्पर्म भी निकल सकता है, राइट। जबकि कोरोना वायरस जो है वो स्पर्म से भी बहुत छोटा है, टेनिस बॉल है वो फुटबॉल है। तो कोरोना वायरस कोई मक्खी नहीं है कि जो ये रोक ले, राइट। ये स्टाइल के लिए, फैशन के लिए, या ना जाने क्या आपने पाप किया कि मुंह छुपा रहे हैं हर जगह, वो अलग बात है, लेकिन कोरोना वायरस से मुंह छुपाने से वो बचेगा ऐसा नहीं, या कोई भी वायरस से ये बचाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये आपको बचाएगा, ये आपके पैसे जरूर खर्च करवा रहा है और आपको एक फीलिंग दे रहा है कि मैं बच जाऊंगा। जिस तरह से आपने देखा कि ट्रक के आगे नींबू और मिर्च लगा रहता है, उससे तसल्ली रहती ड्राइवर को कि एक्सीडेंट से ये नींबू और मिर्च बचा लेगा, वो वाली तसल्ली तो ये दे सकता है मास्क, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। हो सके तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन इसको तो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग में खरीदना पड़ रहा है, मिल नहीं रहे हैं। हाँ, ये व्यापार है, भय का व्यापार, भय से कुछ भी बेचा जा सकता है। आप लोगों को डराइए, और दैट इज द बिगेस्ट बिजनेस सेंस, राइट। डर के मारे तो कोई कुछ भी करता है ना, वो कुछ भी कर सकता है।